किसी भी बैंक में अगर हम हमारा पैसा रखेंगे तो हमें वहाँ पे सालाना इंटरेस्ट जो मिलेगा वो सिर्फ मिलता है हमें 4 से 5%। लेकिन हम किसी भी बैंक से लोन लेंगे तो हमें वहाँ पे जो ब्याज जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो किसी का 10% रहेगा, किसी का 15% रहेगा, किसी का 18% रहेगा। हम अगर बात करेंगे पर्सनल लोन की तो किसी भी बैंक में जाइए आपको वहाँ पे 10% से ज़्यादा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा, बताया जाएगा। लेकिन हमारा पैसा बैंक में होने के बाद भी हमें वहाँ पे सिर्फ 5 से 6% के बीच में ही यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज मिलता है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स थे हमारे यूट्यूब चैनल पे कि L&T फाइनेंस का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है L&T फाइनेंस के पर्सनल लोन के लिए, बहुत कमेंट थी, इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो आपके लिए बनाया जाए कि L&T फाइनेंस का लेटेस्ट पर्सनल इंटरेस्ट रेट क्या है। उस पर हमें अगर 1 लाख रुपये या 2 लाख रुपये L&T फाइनेंस से हम लेते हैं तो हमें कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, कितनी प्रोसेसिंग फ़ी हमें देनी पड़ेगी, वहाँ पे क्या क्या हमें चार्जेस लगाए जाएंगे, तो ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं ताकि आपको बार बार इस टॉपिक पे कमेंट करने ना पड़े। तो चलिए जानते हैं L&T फाइनेंस का पर्सनल लोन के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वहाँ पे क्या चार्जेस लगाए जाते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस कितने होंगे और हमें लोन हमारे बैंक अकाउंट में जो आएगा उसकी वो अमाउंट हमें कितनी हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं TNS टेक्निकल चैनल। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जो भी हमारे नए वीडियो क्रिएट होंगे जो हम अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे पहले पहुंच जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, हमारे वीडियो देखते हैं, बहुत सारे व्यू भी आते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी यहाँ पे नुकसान नहीं है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन दबाना है। तो चलिए जानते हैं कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या चार्जेस हमें यहाँ पे लगाए जाते हैं। यहाँ पे L&T फाइनेंस हमारी अच्छी इसलिए है कि अगर हमारा कोई EMI मिस हो जाएगा तो उनके चार्जेस जो ECS चार्जेस है वो काफ़ी कम है बाकी कंपनी से, बाकी बैंकों से, तो यहाँ पे कस्टमर के लिए सेटिस्फेक्शन है, अच्छा है। यहाँ पे अगर हम लोन लेंगे तो उसको उस लोन के लिए हमें ज़्यादा चार्जेस नहीं देने पड़ते। तो बहुत सारे लोगों की कमेंट थी कि क्या हम इस L&T फाइनेंस से लोन लेंगे। L&T फाइनेंस सिर्फ उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए ही ये लोन यहाँ पे प्रोवाइड करता है, L&T फाइनेंस पर्सनल लोन। तो जो लोग L&T फाइनेंस के एग्जिस्टिंग कस्टमर है, मैंने बहुत सारे वीडियो में ये लोगों को बताया है लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते, बहुत सारे कमेंट करते हैं कि हम L&T फाइनेंस के एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है तो हम कैसे करें, क्या करें। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आप एग्जिस्टिंग कस्टमर होने चाहिए, क्योंकि L&T फाइनेंस का कोई भी L&T फाइनेंस की वेबसाइट आप अगर लैपटॉप में आपके फ़ोन में चेक करेंगे तो आपको पर्सनल लोन का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। तो आपका बिल्कुल भी टाइम यहाँ पे ख़राब ना करें, L&T फाइनेंस की कोई भी वेबसाइट नहीं बनी है कि कोई भी न्यू कस्टमर उसको अप्लाई कर सकता है। तो आपको लोन लेने के लिए पहले कोई टू व्हीलर या कोई भी अलग से लोन लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये ऑफर यहाँ पे L&T फाइनेंस की तरफ से मिल जाएगी। तो चलिए अब हम हमारे मेन पॉइंट पे आते हैं। L&T फाइनेंस का जो लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो चार्जेस हमें L&T फाइनेंस में लगाए जाते हैं, तो यहाँ पे उसका 17% से हमें L&T फाइनेंस पर्सनल लोन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात और है, आपको यहाँ पे आपके सिबिल स्कोर पे यहाँ पे डिसाइड होगा कि आपको कितना यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, कितना ब्याज दर यहाँ पे लगाया जाएगा। क्योंकि अगर आपका सिबिल स्ट्रांग अच्छा होगा तो आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगाया जाएगा, आपका सिबिल थोड़ा खराब रहेगा, इधर उधर रहेगा, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगाया जाएगा। लेकिन जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट है वो 17% से है, तो घबराने की बात नहीं है। और आपको यहाँ पे अगर लोन अप्लाई करते वक्त आप उनको हमेशा एक बार पूछे कि आप यहाँ पे हमें जो लोन प्रोवाइड कर रहे हो वो फ्लैट में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा, जो EMI जाएगा, या यहाँ पे रेड्यूसिंग में जाएगा। तो मैंने जब L&T फाइनेंस से बात की थी तो उन्होंने कहा था ये सिर्फ हम फ्लैट में यहाँ पे बताते हैं, बहुत सारे कस्टमर को यहाँ पे पता नहीं चलता कि क्या है कैसे है।
तो इसके लिए हम इनको सिर्फ यहाँ पे फ्लैट रेट यहाँ पे बताते हैं, लेकिन जब हमारे अकाउंट में लोन ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसका जो ईएमआई वो रिड्यूसिंग में चला जाता है, यानी कि जैसे जैसे हमारी प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे कम होती जाएगी वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उस पर ब्याज लगेगा वो जितनी हमारी प्रिंसिपल अमाउंट हमारी बाकी है रीपेमेंट करने के लिए उतने ही प्रिंसिपल अमाउंट पे यहाँ पे हमसे ब्याज लिया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है। तो आपको यहाँ पे हम कुल मिला के अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्जेस लगेंगे जो आपका ब्याज होगा वो 9-9.5-10% के आसपास हो जाएगा। अगर आपका सिविल स्ट्रांग अच्छा रहेगा तो इतना होगा, अगर आपका थोड़ा गड़बड़ रहेगा तो आपको कम से कम 12% के आसपास यहाँ पे इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा। तो अब हम बात करेंगे कि अगर हम L&T फाइनेंस से 1,00,000 रुपये या 2,00,000 रुपये लेते हैं तो यहाँ पे हमें प्रोसेसिंग चार्जेस क्या होंगे और क्या बाकी के अदर एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे हमें लग जाते हैं। तो यहाँ पे हम अगर 1,00,000 रुपये की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें 2% से प्रोसेसिंग चार्जेस देने पड़ेंगे, यानी कि 1,00,000 रुपये पे हमें 2,000 रुपये चार्जेस लगेंगे। आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफ़र होगा वो यहाँ पे 98,000 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो यहाँ पे 2,000 रुपये आपको 1,000 रुपये के पीछे आपको 2% से आपको देना है चार्जेस, यानी कि आपको 2,000 रुपये आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे चार्जेस के। और यहाँ पे हम L&T फाइनेंस की एक अलग पॉलिसी की भी बात करेंगे। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि L&T फाइनेंस यहाँ पे हमें कुछ पॉलिसी कुछ इंश्योरेंस लेने के लिए कहता है। तो यहाँ पे एक हेल्थ इंश्योरेंस है और एक टर्म इंश्योरेंस है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते तो उसकी जो अमाउंट है वो 600-800 रुपये के बीच है, वो जो आपके एज पे डिपेंड करेगी, 100-150 रुपये यहाँ वहाँ हो जाएगी। लेकिन आप उससे लेना चाहे तो ले सकते हो, वो ऑप्शनल है उसकी कोई लेने की। अगर आप नहीं चाहते आपको 600 रुपये बचाने हैं 800 रुपये बचाने हैं तो आप उसे नहीं ले सकते, मत लीजिए। लेकिन आपको जो वहाँ पे टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है वो वहाँ पे लेनी पड़ेगी, उसकी जो चार्जेस है वहाँ पे 2500-2400 के बीच है, वो भी आपके एज पे डिपेंड करेगी और आपके लोन अमाउंट पे डिपेंड होगा कि आपको कितनी पॉलिसी लेनी है। तो ये भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे एक पॉलिसी आपको ऑप्शनल है और एक आपको लेनी चाहिए, लेनी पड़ती है। हमारा एक व्यूअर्स है, एक भाई है जिसने एक कमेंट किया था, एक क्वेश्चन पूछा था कि ये लोन लेते वक्त इन पॉलिसी का अमाउंट हमें पहले ही पेड करना पड़ेगा या नहीं। तो मैं आपको वो भी क्लियर कर दूँ, आप जब भी ये लोन अप्लाई करोगे तो आपको इन पॉलिसी के चार्जेस जो भी इसका अमाउंट बनेगा आपको आपके लोन अमाउंट में से नहीं देना है। वो आपका जब EMI स्टार्ट होगा वो आपके EMI स्टार्ट होने के बाद उसमें थोड़ा थोड़ा सा करके इंक्लूड हो जाएगा। तो अगर आप 1,00,000 रुपये यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपके अकाउंट में यहाँ पे 98,000 आ जाएंगे कन्फर्म, और जो पॉलिसी के जो चार्जेस है वो आपको धीरे धीरे आपके जो EMI है उसमें पेड करने हैं। इसमें हमें जो L&T फाइनेंस की जो पॉलिसी है वो जो टेन्योर है उसका वो भी हमें 1 साल से या फिर 3 साल तक मिल जाता है। अगर आप चाहे तो 3 साल के अंदर भी इसे पेड कर सकते हो फोरक्लोजर लोन, लेकिन हमें जो यहाँ पे टेन्योर मिलेगा वो 3 साल का मिलेगा। चाहे आप यहाँ पे 1,00,000 रुपये लो, आप 2,00,000 रुपये लो, आप चाहे 5,00,000 रुपये, आपको जो भी ऑफर प्रोवाइड हुई है L&T फाइनेंस से तो आपको 3 साल तक यहाँ पे टेन्योर मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ पे आपका टेन्योर यहाँ पे 3 साल से 5 साल तक भी बढ़ सकता है। तो बस इतना ही यहाँ पे मुझे इस वीडियो में क्लियर करना था। जो भी हमारे भाई है जो हमारे व्यूअर्स है तो उनको उनके बहुत सारे यहाँ पे डिमांड थी कि एक वीडियो इस पर भी बनाओ, तो मैंने सोचा चलिए इस टॉपिक पे एक वीडियो बना लूँगा तो आपको भी जो आपकी परेशानी है वो क्लियर हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना यार।